क्या बात है बा। उरई का राजा माहिल जेकरे पास तीन ठे बहिन, एक ठे का नाम नगमा, दूसरे का नाम बिजमा, तीसरे का नाम मलना। कमलेश भाई अब एक नई चीज याददाश्त छोड़े जाते हैं समाज बदे। तीसरे का नाम मलना, भाई का नाम माहिल, स्थान का नाम उरई। देखे बहुत बढ़िया कारीगरी है, तीन ही अक्षर कर। चैनल वाले भाई लोग, एक बहन का नाम नगमा, दूसरे का नाम बिजमा, तीसरे का नाम मलना, भैया का नाम हो माहिल, गांव घर का नाम हो उरई। ये कुल में तीन तीन अक्षर है, चार अक्षर ना पैबा, कुल में तीन तीन अक्षर है। माँ पिता नहीं है, एक बहन दिल्ली पृथ्वीराज के यहाँ ब्याही गई है, एक बहन कन्नौज के राजा जयचंद्र के यहाँ ब्याही गई है, सबसे छोटी मलना है। आज का ही दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, और दोनों बहन अपने अपने ससुराल से नैहर आती है, मैके आती है। तीनों बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं, भाई बड़ा खुश है। दो बहन को तो विदाई देता है, लेकिन छोटी बहन से पूछता है कि बहन तू तो मेरे पास ही हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कम से कम तुम तीनों एक सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल, किसके छाया में हो बहन, खुशहाल हो, अभी बताई हो कि मैं प्रफुल्लित हूँ, तो तुम तीनों बताओ कि किसकी छाया में तू खुशहाल हो। दूठे बहन जो उनका शादी हो गई, तो कहली कि भैया माई बाबू बहुत पहले निकल गई ले, तोहरे कृपा से हमन नैहर सासुर दोनों जगह भरल पुरल है। लेकिन जब छोटकी से पूछले जो उनका ब्याह ना भेल है मलना से, तब मलना कहस कि भैया ये सब स्वार्थ में बोलती है, ये सब गलत बोलती है, आपका कौनो छाया ना। छाया देने वाला तो कोई और है, और जिसके छाया के नीचे दुनिया पल रही है, दुनिया चल रही है, कोई गरीब है कोई अमीर है, बस इतना ही अंतर है। भाई के शरीर में आग लग गई, कल जौने के ब्याह कह दे वो हमार नाम ले, एक वही ब्याह न कैले ही, एक चिंता ना हमारा अपमान करती है। एक बात कहा कहा क्या, अरे उस सम्मा को, उस सम्मा को हर कौन न पूछा, Yeah.
का जमाना है सलाम जमाना है। ये तो बहिन बोल गई लेकिन हुआ क्या? क्या? हाँ बोला महिला पहना बहन हम फैसला कर देते अभी फैसला मैं कर देता हूं नाउ बारी भेजले कलाकार का सम्मान कैले घर करेंगे आखिरकार भाईल का नाउ बारी भेजले एक थे आदमी है तो अपने ही बिरादरी का ये भी ठाकुर है माहिल के ही बिरादरी का आदमी जेकर ना हो परमाल परमाल थोड़ा सा शारीरिक क्षमता गड़बड़ है बीमारी पोजीशन में हुए और परमाल के पकड़ के लोग लिए ले परमाल के साथ से शादी कर दे आ जब शादी कर दे क्या बनावा न घर है न द्वार है न खेत है न खरिहान है यो 45 बरस का हो तुहार उम्र 22 बरस का 45 बरस का तुहार उम्र 22 बरस का जा बनावा तने देखी तो कैसे बनावल लेकिन बेटी गाय होली बछिया होली हाथ पकड़ा दिया जबरी से वो बेचारा मारे डरन एक बार इनकार ना कहले परमाल की कैसे हम कहें कि हमार बियाह आप अपनी बहन से कहे करत हुआ हम गरीब आदमी ही झोपड़ी में रहे वाला है साझे का खाईला सवेरे ना मिलेला लेकिन हिम्मत ना पल कर ले जा दुल्हन मन की झोपड़ी में जाती है अजब झोपड़ी में जाती है मेरे दास आए है झोपड़ी को देखी झोपड़ी की दीन दशा को देखी सोच रही है वो बहन देखे मलना सोच रही है क्या सोच रही है लाइन सोच रही है हरे गोरी गईली हे गोरी गईली पिया हरे रोवन मलना हे हो भगवान कैसे पीती दीनवा कैसे
इंद्र भैया के तरह निष्ठा। सोमवार के दिन जैसे सावन में हर सोमवार के भोलेनाथ के लोग याद करेला, तमाम तमाम व्यवस्था से जकर जैसन व्यवस्था बा, जकर जैसन सोच बा, उ लड़की सोमवार के दिन नैहर से भगवान भोलेनाथ का पुजारी है। आज वो जैन गई सुहाग रात ना बीतल, मनई एक बार हिम्मत जरूर कैले कि चली अपने दुल्हन का बढ़िया से मुंह देख ले, देखे आगे कुछ होला तो फिर देखल जाई। बड़ी अनमोल रात होले, लेक जोने के सुहाग रात कहल जाला। आए है दुल्हन हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली स्वामी आप तो मेरे भगवान है ही हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ मौका चाहिए। बिचारा खौलत पानी बोतल का ठंडा हो गया, तनी सा गुनगुनायल। वह डरियो लगे कि राजा का बहिन है और राजकुमार का बहिन है, ये कौने मूड में हमसे शादी कर देलस। लेकिन जब शादी कर दिया तो कर दिया, बोतल का पानी खौलत बर्फ हो गया। फिर गए वापस बैठल, बिटिया रानी सोच रही उस मड़ई में, सोचती है क्या सोचती है, एक लाइन आप लोगों का गीत था। हाँ भैया तुम देख के हर सोमवार मलना कर शिवा पूजा, हर शिवा पूजा कब हो बाब हो ले दिशा, हाय ले हले परीक्षा मर भाई नीरा मोहिया, भाई नीरा मोहिया हमारी नसीब आजी मार, तोहरे सहारे बोझल, तोहरे सहारे बोझल हमारी नेवारिया हो, हे प्रभु हम कहां से गलती कर गए ले? हम तो वहां भी आपका नाम ले ली, जैसे रोज नाम लेला सवाल के जवाब में भी हम आप का नाम ले ली कि आप के छाया में दुनिया पलत। लेकिन हमार सगा भाई हमार बैरी बन गए ले, और हमारे परीक्षा का दीवार इतना मजबूत है हमके गिरावन ना पावत है भगवान, गिरावन ना पावत है। देखे कभी कभी ये सत्यता को, आखिरकार उसी रात में रो करके सोमवार को भोजन कराती है, लेकिन आगे परसों सोमवार है, आज शुक्र है, कल शनिचर है, अतवार के बाद सोमवार है, सोमवार के पहले ही घर में एक को दाना ना। भगवान हम कैसे बच्चन के भोजन कराई, तोहार व्रत हो रख ले पर, लेकिन व्रत का पुराहुत कैसे करब, वही राती में थे अजीब घटना घटल। एक लाइन संकेत था, हाँ किलाई के गवनमा, अरे लाई के गवनमा सैया दिहला हो कल सवाकी बीते सवा गईला ना हो पलल बी सपना में देखलस कि अरे बेटी जिस दिन तू इस मड़ई में आई, झोपड़ी में आई,
तुम्हारे पैरों के नीचे काफी दिनार रख दिया। जानती है कहाँ है? आज के ही दिन कि जब कि रात अधी आई लेना आसना लगाई। तुम्हारे झोपड़ी के सामने जो आम का वृक्ष है, यही पर नीचे से सांप, ऊपर से काग आज मध्य रात्रि में मुख संवाद करेंगे। विरह के तर्क पर हमारे पढ़े लिखे अशिक्षित बंधु गौर करेंगे। बेटी, दोनों मुख संवाद करेंगे, बस केवल दोनों की बात सुनना चुपचाप। नींद टूट गई, घबरा रही है, आखिरकार क्यों? ए भैया, लड़कियां सोचे लगल जाग के कि हम लुकमान सुखेन धनवंतर तो हम ना है प्रभु। ये यही कह रही है कि प्रभु हम लुकमान सुखेन धनवंतर ना है कि घास के पास भाषा समझा। आए हैं बिरहा में कवि जी लिखलन सोचत या कहत या हर समधि में कैसे आई हमारे, समधि में कैसे आई हमारे कादर सात कबटिया उर में नहीं संभाली। बोले शिव जी है छत्राणी, यह सोच के सूत गई, ये बतिया कह के सूत गई। हर सुख दुख में सहभागी होना यह कर्तव्य हमारा है। उस सर्प काग के भाषा का मैं अभ्यास कराऊंगा, निस्वार्थ भाव से यह बिटिया बिगड़ी तकदीर बनाऊंगा। अरे पगली, तय खाली चुपचाप सुन ले, ओकर व्याख्या तो हम न करब, हम बताई तोरे समझ में आ जाई। तय खाली सुन भी तोरे बतिया समझ में आवत जाई। अगर सुख सुखेन लुकमान धनवंतर, एक आदमी भारत के, एक आदमी यूनान के, एक आदमी लंका के, ये तीन मसीहा तीन व्यक्ति ऐसे थे, पश पक्षी घास फूस की भी भाषा जानते थे। गौर करेंगे, आया है लेकिन गौर करेंगे। दूसर की बात यह मिलल सपना में मिलल का, आया है हाय हाय, ई लग गई लग गई लग गई। पापा हम के बुलावे पानी के पहाड़ हो सजना कैसे आई पहाड़। मरण साप कुटिल मोरे रामा, वही रात में हो कहा दूसर के दिने मरण साप कुटिल तपक कहा गाम से पचानी ना हो जहनिया माटी कई राम उस
सरका दिने मध्य रात्रि में दुनिया सूत गई है और मलना जा करके अपने मड़ई से सुन रही है। एक सर्प निकला पेड़ के नीचे से, एक सर्प निकला जड़ से और ऊपर फुफकार करके ऊपर कुछ आवाज दे रहा है। ऊपर काग बैठा है, आवाज क्या दे रहा है, लेकिन बात तो ही कह तो सांप कह क्या रहा है। अरे कैला वंश कुल मर खाई, पतिया सुने जदि कोई भाई, तोके ले त तुरंत धरवाई, हौलन देल में दे खौलाई, हौलन देल में दे खौला, ओसे ले ओसे ले परमान नहाई, सुंदर काम देव यसना हो, सुंदर काम देव यसना हो, बिलखा करके कभी गुस्सा में हो करके वो सर्प कह रहा है। ऊपर काग जो बैठा है, अबे मैं क्या तुम्हारा बिगाड़ा हूं। जब भी हम लोग निकलते हैं, हमारे बच्चे निकलते हैं, तुम्हारे बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर के चोंच मार करके जनता को जगा देते हैं और वहां लोग पहुंच करके हमारी हत्या कर देते हैं। अगर कहीं मेरी बात कोई सुनता तुझको पकड़वा लेता, नहीं जानता है कि तुम्हारे में क्या कारण है, क्या सच्चाई है, और पकड़वा करके तेल में खौला करके पानी मिला करके अगर नहलवा देता। आय है जो परमाल इतना दुखित है, वो तो दुखित ही है, उसकी नई नबेली दुल्हन इतना दुखित है, इतना सुंदर सारी सारा तकलीफ सारा दुख उसका खत्म हो जाता। आज भी राजस्थान वाले ले लेकर के देखे तेल बेचते हैं, कहीं संडा बताई है तो कहीं नेवला का तेल बताई है, कहीं खोपड़ा का तेल बताई है। आज भी ये बेथा, आज भी ये व्यवस्था गौर करेंगे। आय है यही कह रहा है, लेकिन जब बात काग सुन लस तो हंसे लगल। कलश की तय हमके धिकारत हुए, हम बहुत बड़ी गलती करीला, लेकिन अपने गलती की तरफ ना ध्यान देते हुए अगर हमरो पतिया केहू सुनत उ है तेलवा खौल का जौन हमके डाल के अनहवावे कहत हुए उ है तेलवा खौलाए के तुरे बिलिया में ढीली देवे के रहा। बिलिया में जौने बिलिया में से निकलत हुआ कोई में तड़फड़ाए के मर जाता, जो उन्हें अगोरत हुआ वो धरोहर बना के तुहार बाप दादा कमाई के धैले हुए। अगर कहीं वो चीज के कोई गरीब पा जाता तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता। जब ये बात काग का सांप सुन लस तो सांप बोलस के अच्छा तू मेरे विषय में जानता है, मैं तेरे विषय में जानता हूँ, एक काम करके तू अपनी बात वापस ले ले, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। लेकिन ये बतिया तो सुनने वाला कोई सुन ले। आज जब बिहान भैल मेरे दास तो होता क्या है, अरे गहरी नींद में, गहरी नींद में जब भई न जहा न बम्बल न जागल असर पुकार कर सुन के सुने बयन बम्बल न जागल Thank you.
चौराहे पर ये दवा लोग बेचते हैं, गौर करेंगे। सुबह होता है, चिड़िया मारों को बुलाती है, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती है, भैया कभी मड़ई में सो लेती हूँ, कभी वृक्ष के नीचे सो लेती हूँ, यही पर कुछ काग हुए सब बिष्टा कह दिल चरपान ढोरा रह कि हमन कौआ ना मारल जल, हमन कबूतर फसावल जल, एठुरा कलश के देख रोज हमन का कल जला ना कल जला, एकर सुघराई देख कितना सुंदर है, और हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा थे ते और निक लगत था, तो के अच्छा लगत था, जाल बिछा पकड़ के काग के फेंक दहले, धोबिया जल में मरत दिया सा, नहीं समझ पाए ये क्या है, ये बात तो मलना ही जानती है, खौला के तेल में पानी मिला के 6 महीना बीत गल, कलश आवा स्नान करला, 6 महीना के बाद, 6 महीना के बाद बुलौल स्नान कराओ बदे जा के पीढ़ा पर बैठने, लेकिन हिम्मत ना पड़ती राजा का बहिन है, कवन परीक्षा लेते हो सो, इतना दिन बियाह भयल आज तक ये बही हम दूर में रह गईली, नहवौलस ज्यो ज्यो पनिया डाल त्यों त्यों यों यों परिवार फैल गया, उस शरीर में फुर्ती आई, दावा का भाव जब आए तो शरीर में हमारी मतिन हो गई ना, हम तो पहले ही से ठीक है, नहीं तो तय चौतिया मतिन बतियावत हुए, आए तक कहते कि हाँ तोहरी मतिन हो गई ना, हाँ ये घड़ी तय परिमाल भैल हुए, हम परिमाल हरदम है, लेकिन वो परिमाल ना है कि नहीं है, हम द्रवित हैं कहीं से, हाँ अच्छा तो हर सेंटेंस समझे बदे एक आदमी के टाइम हमके चाहिए, घर करेंगे, अच्छा तो ये काम हो गया, एकरे बाद ख्याल हो दिमाग में खौलत तेल कड़ाही के वही पील में ले जाके डालत है, तुषार बल्टी जब डल्लस डल्ले के बाद जब सर्फ मरा तुषार लोगों को बुलाती है कलश की, भैया एगो शंका हमके हा, एगो शंका हा, हे जैन रतिया का सांप लौकल है, आ हे ही बिलिया में गयल, और नहीं बात बताती है, एक तनी खाना लोगन देखा था, आ जब खनल गयल तो एक काला पत्थर को लपेट करके वो काला नाग मरा पड़ा है, कुल कलन जो यह रहल है मर गल, बढ़िया भल बिना मरले तेलवे से मर गल, लेकिन नहीं समझ पाए लोग, काले नाग को एक कब करके उस पत्थर को ले जाके मड़ई में रखती है, वो साधारण पत्थर नहीं मेरे दोस्त, साधारण पत्थर नहीं, उस पत्थर को बताते हैं कि पारस पत्थर, आज हमारे देश में नहीं है, आज हमारे देश का पारस पत्थर कोहिनूर हीरा, कोहनूर हीरा, ये दोनों एल्थिदा बेब सर पर याधा और याधा उसके कुर्सी पर, एक बार रणजीत सिंह वापस कर लिए थे लड़ाई करके, लेकिन पुनः वो छीन करके फिर विदेश में ही चला गया, लेकिन गौर करेंगे कौनो लोहा से स्पर्श भयल, आज जब लोहा का रूप बदलल सोना के रूप में भयल, तो मलना के समझ में आगल कि भगवान के कहल सही हो गए, आए है भगवान का कहल सही हो गए, अब तब दौलत वाली बन गई, आज जब दौलत वाली बन गई तो देख यही जन एक काम कैलस कैलस का, अरे वो कर का पिदर है पैरी ही आज महेंद्र भैया जे करे रथिया पर बैठल पाट धाता झंडावा झुकई है कैसे आज तुम्हें Thank you.
लेकिन हे जैन के भयल अरे पलना बनवली वही नगर महोबा जवन कहावे छत्री पीरम अब नैहर वाली बात याद आ गई भैया के ताना मेहना याद आ गया भैया जो ने अपमान कैले वो याद आ गया कि भैया का नाम माहिल है हमरे नैहर का नाम है उरई हमन तीन बहन रहल गल तीनों का नाम नगमा बिजमा मलना काम करते हैं तो हम अपने ससुराल में भी तीनिया अक्षर का स्थापना कर कि तीन अक्षर भैया का नाम तीन अक्षर हमारे नैहर का नाम तीन अक्षर में हम तीनों बहन का नाम तो हम तीनिया अक्षर का स्थापना करब ससुराल में भी मड़ई में भी तीन अक्षर मड़ैया के हटा के वही स्थान का नाम महोबा महोबा में तीन अक्षर स्थापना कैलस की नैहर का नाम अगर तीन अक्षर में हा हमारे ससुराल का भी नाम तीन अक्षर का रही भैया के हम बताई अपन पहचान दिखाई अपन निष्ठा बताई इतने ना कैलस का हर किरण तालाब सागर बन लिए कबोरी महोबा में एगो तालाब खोदवौलत दोने तालाब का नाम रखलस कीरत तालाब नाम में भी कीरत में भी तीन अक्षर तालाब में भी तीन अक्षर एक काम और कैलस अरे दक्षिण दिशा में बनल शिव कर शिवालय शंकर जी का शिवाला बनौला शंकर जी के नाम में भी तीन अक्षर शिवाला में भी तीन अक्षर इतने ना एक काम और कैलस निक निक बहादुरन के चुने लगल अचून के आज के ही दिन बुला के राखी बांधे लगल अब बांध के अपने भैया पर अपने नैहर पर चढ़ाई करवलस आज जब चढ़ाई करवलस भैल का अरे माहिल पुत्र या भैया रावल गइल रणन में अब भई के ना माहिल हो महोबा दरमियान भई के ना माहिल हो महोबा दरमियान अरे बाला ना पूछे ना भैया के देला भोजनिया कोई के लचार माहिल का है भगवान अपने कर्म से अपने भाई को झुका दी जबकि उस लड़ाई में भतीजा की मौत हुई जिसका भी नाम था अभय अभय उस लड़ाई में मारा गया माहिल को बहादुर कैद किए और उरई से कैद करके घसीट करके जब महोबा में ले गए बहन सामने पड़ती है बोली कि भैया हमके चिन्हत हुआ हम ही मलना है ना अब तू बतावा कि केकरे छाया के नीचे हुआ केकरे छाया के नीचे हुआ भैया हमार विनय सुनकर 50 पुरस्कार लाचार होके हाथ जोड़ के माही कहले की बहन माफ कर दे हमके हम भटक गईले लेकिन एक बात लिखल गल कहल गल का अरे छोड़ल गईले माही जब झुका बना सिरवा पूजा लगन चारी वरिया महोबा पीरवा
राज या पथ राज तो सेनापति बलकारी पावन किला और फतह कर आने की तैयारी कहा के लड़ा में तला भरिया मोहबाद का फिरावा देखे। अब हर जगह छोटे छोटे रियासत में हम लोग अपने आप को राजा समझ रहे रखे थे। लड़ाई होती है बाऊ से राज को अपने राज में मिलाने का काम की वो मलना बहन एक गाजीपुर आजमगढ़ मऊ बलिया गजेटियर में ये चारों एक था। गजेटियर में पहले गाजीपुर था सॉरी माफ कीजिएगा आजमगढ़ था। आजमगढ़ से कट के गाजीपुर हुआ गाजीपुर बड़ा जब होने लगा तो गाजीपुर से कट करके बलिया बना फिर आजमगढ़ का क्षेत्रफल जब भारी पड़ने लगा तो आजमगढ़ से काट के मऊ जनपद बनाया गया। ये 85 पुरस्कार के राजेश भैया मऊ बारा से भैया के बहुत बहुत प्रणाम शेखपुर से। और यही नहीं आपके ही धरती से आजमगढ़ से ही हुआ क्या बसे बाद में आल्हाउदल वीर महोबायाई यही आजमगढ़ के रहने वाले आल्हाउदल आप यहाँ के रहने वाले आल्हाउदल बसे बाद में आल्हाउदल वीर महोबायाई अरे पावन की नाम और फतहकर कीर्ति को फैलाई नैले दिल्ली के तैयारिया महोबायाई फिरावा हरिनंदन राम जी आवन कथन करे के सौ कुबेर रमधारी पुष्कर पावन अरे समझ में कैसे आई हमारे